निरंतर बस मैं
द्वैपायनो विरह कार उत्रेति तन्मयतया तरणो दर्शन करें। व्रज जनों की आरती को आप हर लेते हैं हे प्रभु, और गोपी जनों ने दूसरी बात कही, वीर योषिताम। बड़ा प्यारा स्मरण दिलाया, हे ठाकुर, हे प्रभु, आप वीर शिरोमणि हैं। संसार में वीर तो कई हैं, महावीर भी कई हैं, परमवीर भी होंगे, लेकिन आप तो हैं समस्त वीरों के जगत के शिरोमणि हैं। और आप जैसे वीर शिरोमणि का आश्रय करने के बाद यदि कोई दुश्मन हमको सता जाए तो ईमानदारी से सोचिए गोविंद, एक कसूर हमारा है कि रक्षा नहीं करने वाले वीर शिरोमणि का। इतना महान वीर का आश्रय कवच, चुनरी तो प्राकृत ओढ़ी है गोविंद, हमने तुझे स्वयं को ओढ़ा। नुपुर तो ठीक है, ससुराल वालों ने दिए, मायके से कुछ मिले गहने वो पहनना पड़ता है व्यवहार की धरा पर। हमने तुमको पहना है। हम छोटी थी, मां बाप के पास पली, मां बाप ने जो बोली सिखाई बोली, फिर जहां जाना हुआ वहीं की बोली, वहां की आदतें, इन सब से हम अभ्यस्त हो गए। लेकिन हे गोविंद, हमारी बोली तो एकमात्र तू है। तो हमने जरूर साड़ियां पहनी हैं, गहने पहने हैं, लेकिन मूल में तो हमने आपको ओढ़ा है। और आपको जिसने पहन लिया है उसका वीर शिरोमणि होकर कोई द्वार से
कोई दुश्मन प्रवेश कर जाए तो क्या वीर शिरोमणि आपका कोई दायित्व नहीं, क्योंकि तुम वीर हो। बड़ा अच्छा लगता है, जिसका आश्रय करो उसको कभी वीर तो कबूल कर लो, बहुत सी झंझटें मिट जाए। और भगवान कृष्ण वीर है, इसमें तो कोई सवाल नहीं। मेरी व्यास गादी तो कहना चाहेगी, रथी नहीं है, सारथी होते हुए वीर है। शस्त्रधारी नहीं है, फिर भी चक्रधर बनकर वीर है। शस्त्रधारी तो वीर होता है, समझ में आया, मान लिया, लेकिन कृष्ण शस्त्रधारी नहीं है, चक्रधारी है। और अब आप ये कहें कि चक्र ही तो शस्त्र नहीं, गलती मत करियो मेरे भाई बहन, चक्र तो भारतीय अध्यात्म में शांति का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक चक्र नहीं है। इसलिए तो हमारे राष्ट्र ध्वज में हमने चक्र को कबूल किया। जो लोग ये मानते हैं कि कृष्ण ने चक्र से कई लोगों की गर्दन काटी, वो न कृष्ण को समझे न उनके चक्र को समझे। उनका चक्र दर्शन नहीं था, उनका चक्र प्रदर्शन नहीं था, उनका चक्र एकमात्र सुदर्शन था। वो ध्वंसक नहीं है, मूल में जाए तो। अब रामचरितमानस में भी आता है कि जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे चक्र के भय से ऋषि दुर्वासा भयभीत हो गए। और जो वस्तु भयभीत करें वो तो शांति का प्रतीक नहीं हो सकता, तो व्यास गादी की बात टिक नहीं सकेगी। चक्र ने शिशुपाल को भयभीत किया, दुर्वासा को भयभीत, जहां जहां चक्र उठा। रथांग पाणी तो फिर चक्र शांति का प्रतीक कैसे माने? यही तो भारत की महिमा है बाप। दुर्वासा के ऊपर भगवान का चक्र छूटा और फिर दुर्वासा भयभीत हो गए, उसका जरूर चक्र से भयभीत हो गए, इस पक्ष ले लो मुबारक। लेकिन दुर्वासा का अति अत्यंत क्रोधी स्वभाव है, उसको भय लगा कि अब शांति का चक्र आ रहा है, मेरा भय, मेरा जो आक्रोश और मेरा रोष वाला स्वभाव है वो शिरछेद हो जाएगा, मुझ में शांति आ जाएगी। उस प्रकार का भय, जैसे जो कोई तकरारी आदमी, लड़ाकू व्यक्ति दो लड़ते हैं और कोई सज्जन समाधानकारी वलन लाता है, तो ऐसे सज्जन को आकर देखकर उसको भय लगता है कि ये समाधान करा देगा, ये कहां झंझट आई, ठीक चलता था अदालतों में, ठीक चल रहा था ये सब, लेकिन ये आदमी आया, उसकी माननी पड़ेगी और वो जरूर संधि करा देगा। चक्र देखकर ऋषि दुर्वासा को हुआ होगा कि मेरा जो स्वभाव है अब मिटेगा और शांति का शिर मुझ पर लग जाएगा। तो मेरी व्यास गादी को लगता है चक्र शांति का प्रतीक है, चक्र गति का प्रतीक है। इसी अर्थ में उठाएं तो भगवान शस्त्र नहीं रखते हैं, कृष्ण चक्रधारी है, शांति का पक्ष है उसका। गीता ने तो अद्भुत कर दिया, गजब कर दिया। दृश्य है कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध होने की तैयारी, अश्व हिनहिना रहे थे, अप्सराएं तैयारी करती थी मालाएं लेकर कि कौन वीर गति को प्रथम पाए और किसका हम सम्मान।
सबसे पहले ऊपर का पूरा आसमान भारत की भूमि पर ये जो महायुद्ध होने जा रहा था। और दृश्य जगत की दृष्टि जगत पर बहुत असर होती है, इससे हम सब परिचित। सिनेमा के थिएटर के पास निकलो तो उसकी असर हो जाती है, सत्संग के पास से गुजरो तो उसकी असर होने लगती है। सीधी सी बात, सत्संग की असर होती है। एक बेटी ने आज मुझे पूछा है, बापू मैं घर में रहती हूं तो मेरा स्वभाव बदल जाता है, कथा में रहती हूं सत्संग में तो थोड़ा अच्छा लगता है, अब क्या करूं, फिर वही हो जाता है। इसलिए रामायण में लिखा है करहूं सदा सत्संग। आप ये कहे कि हम खा लेते हैं तब तक तो ठीक है, फिर तो भूख लगती है तो फिर खाने की क्या जरूरत, बार बार भूख तो लगती, खाया फिर भी भूख नहीं, खाना पड़ेगा। सत्संग की असर होगी, दृश्य जगत की बड़ी असर हो जाती है। तो महाभारत का ये दृश्य जगत, इसमें दर्शक था अर्जुन, और दृश्य जगत की असर दर्शक पर होने लगती है। थोड़ा ढीला हो गया, इनको मारूं, क्या करूं, आदमी जरा ढीला हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दृष्टा है, न दृश्य जगत की कोई असर है न दर्शक वाली कोई असर उस पर है, वो दृष्टा बन करके कुटस्थ तटस्थ का है। मूल में शांति इच्छुक है तो चक्र प्रतीक है शांति का, एक अर्थ है। तो शस्त्रधारी न होते हुए वो वीर है। शांति जिसमें बनी रहे वो वीर है। मेरे वो स्वयं बोला है, भागवत जी में उद्धव ने कुछ प्रश्न पूछे हैं प्रभु को, बहुत से छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं। अब भागवत जी का पारायण करते हैं उसको पता है। उसमें एक प्रश्न ये भी है कि हे भगवान आप बताइए, आपके मतानुसार, कोई इधर उधर से लेकर नहीं, आपका निजी अभिप्राय क्या है वो आप बताइए। शूरवीरता किसको कहते हैं, शौर्य किसको कहते हैं, वीरता किसको कहते हैं, ऐसा प्रश्न उद्धव ने पूछा और उसका बिल्कुल समास में छोटा सा सूत्रात्मक जवाब, स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम, इतना सा जवाब। अर्जुन फिर तो कई अर्थ महापुरुष उनके कर लेते हैं, अपने स्वभाव पर विजय ला लेना ही शूरवीरता। अब अपने स्वभाव पर विजय कर लेना शूरवीरता है, वो ही वीरता है। इसका मतलब कि हमारे स्वभाव में जो जो बुराइयां जो जो कुछ है इन सब को वश कर लेना, इन सब पर विजय करना ही शूरवीरता है, ऐसा स्वयं कृष्ण ने कहा। स्वभाव पर विजय हो जाए, कमाल है, खुद का भाव होते हुए भी उस पर हमारा काबू नहीं है। तो स्वभाव बिल्कुल अपना भाव है, पर भाव तो है ही नहीं, फिर भी उस पर हमारा वश नहीं। बड़ा बड़ा अद्भुत रहस्यमय वाक्य कृष्ण बोल गए, दंड न्यास परम त्याग परम दानम, दंड न्यास परम दानम, ये कृष्ण के वाक्य है। काम त्यागस तपः स्मृतम, हे उद्धव किसी का द्रोह नहीं करना, और किसी ने
तुम्हारा बुरा कर दिया उसको भी अभय दे देना, इसके समान दुनिया में कोई बड़ा दान नहीं है। किसी ने बिगाड़ा है उसको अभय कर देना, किसी का मन से द्रोह नहीं करना, ये सबसे बड़ा दान है। रुपयों का दान करो, करना चाहिए जिसके पास हो, इतनी बड़ी महिमा नहीं है उसकी। गोस्वामी जी ने इसलिए ये नहीं लिखा कि दान, गोस्वामी जी ने इतना ही कह दिया कि कलयुग में कैसे भी दान करो, किस चीज का करो वो संतों से पूछो, शास्त्रों से पूछो। रुपये का दान तो जिसके पास रुपया हो वो करे, करना चाहिए। जिसने हमारा बिगाड़ा उसको भी अभय कर देना, वो श्रेष्ठ दान है। वैसे सूत्र सरल है, लेकिन बाद में सोचने के बाद में लगता है कि कैसे अनुभव में उतारे, व्यवहार की भूमि पर कैसा करे। आज मेरे पास एक प्रश्न और भी था कि बापू आपने कल कहा कि श्रवण करना भी एक कदम आगे बढ़ना है, तो बस श्रवण करते रहे यंत्रवत और आत्मनिरीक्षण न करें तो क्या श्रवण पर्याप्त है? श्रवण मनन निधि ध्यासन ये हमारा पूरा क्रम है। लेकिन विनोबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, कि यदि एक ही प्रहार से चट्टान टूट जाती है तो फिर और प्रहार करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का जीवन श्रवण मात्र से बदल जाता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा जो शब्द प्रयोग हुआ है जिज्ञासा में कि यंत्रवत श्रवण, इससे कुछ फायदा होगा? मेरा कहना इतना ही है, श्रवण यंत्रवत न हो, श्रवण मंत्रवत हो। जब तक श्रवण यंत्रवत है तब तक शायद इतना फायदा न भी हो, मैं सहमत होता हूं। श्रवण जब मंत्रवत हो, श्रवण तो हम बहुत सी बातें रात दिन करते रहते हैं, लेकिन जब सत्संग भगवत चर्चा सुने तब यंत्रवत नहीं मंत्रवत सुने। यंत्र जड़ है, मंत्र चेतन है। यंत्र जो परिणाम देगा वो भी जड़ होगा, यंत्र के गर्भ से जो निकलेगा वो यंत्र की शक्ल का होगा, क्योंकि गर्भ उसका ये है, उसी स्वभाव का होगा, उसी शक्ल का होगा। मंत्र के गर्भ से जो निकलेगा उसमें कुछ और शक्ल होगी, बड़ा खूबसूरत होगा वो श्रवण। किया था परीक्षित में, श्रवण मात्र से परीक्षित पा गया, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, बहुत बड़ा हकीकत हमारे सामने है। तो श्रवण जब मंत्रवत हो जाए, कल के निवेदन को फिर दोहराऊं, ऐसे सुने कि फिर शब्द भी चले जाए, फिर वो ही ध्वनि, बस वो ही मंत्र उतरते रहे धीरे धीरे। और फिर कभी ये लगे कि अब तो हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाई, ऐसा सुने। यंत्रवत सुनना भी फायदा करता है, नहीं करता इसी बात में, क्योंकि सब मंत्रवत नहीं सुन पाते। लेकिन मंत्रवत सुनने की अवस्था भी तो यंत्रवत सुनने से ही होगी, वहीं से तो आगे बढ़ना होगा। मैंने कल भी कहा था कि अगल बगल में कौन है वो तो न पता लगे, लेकिन सुनते सुनते ये भी पता न लगे कि मैं कहां हूं, ये है मंत्रवत श्रवण। सुना था राम को कभी ऐसे शबरी रहे, सुना था उद्धव ने कभी ऐसे भगवान श्री कृष्ण को,
पणवान कबो मुखा। कितनी कितना आवाज शोर हो रहा था महाभारत के युद्ध में, लेकिन जब भगवान कृष्ण की वाणी शुरू हो गई सब बाण रुक गए। वाणी का प्रभाव देखिए, कैसे सुना होगा अर्जुन ने, और परिणाम यह आया करिष्ये वचनंतम। और अच्छा है कि ऐसा मंत्रवत अभी हम सब सुन नहीं पा रहे, क्योंकि मंत्रवत सुनने के बाद कोई काम के न रहोगे, न धंधा ठीक लगेगा, न दुकान ठीक लगेगी, न कुछ लगेगा, पूरी बात बदल जाएगी। राम के हो जाओगे, काम के नहीं रहोगे, घर के कोई काम के नहीं रहोगे, सिर्फ राम के हो जाओगे। कई लोग मेरे पास आते कहते बापू कथा सुनने के बाद कहीं जी नहीं लगता, ये थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है। एक गजनी का जो मोहम्मद गजनी जिसको कहते हैं ना, उसके दरबार में एक आदमी, ये बड़ी बड़ी सुंदर सूफीवाद की बात है, आपने सुनी होगी शायद। तो एक भाई को 5 बेटे थे, इसमें एक बेटे को उस भाई ने इतना तैयार किया, संगीत में, कला में, साहित्य में, नृत्य में, चित्र में, भाषाविद बना दिया, ज्ञानी, न जाने क्या क्या नहीं बनाया उसने। और वो आदमी चाहता था कि ये जो मेरा बेटा है करीब करीब सभी विषयों में कुशल है, पारंगत है, और मोहम्मद की सभा में मैं इसको बिठा दूं, सभा की रौनक बढ़ेगी, और मेरे बेटे के सभी ये उत्तम जो लायकात है उनकी, इससे भविष्य में उसको शायद वजीर का पद मिल जाए। 35 साल तक इतना पढ़ाया कि मत पूछो, ये छोटी सी सूफी कहानी कहती है। एक दिन वो अपने इस बेटे को लेकर उसके दरबार में जाता है, और ये बाप कहता है कि मेरा बेटा इतनी लायकात है, हर विषय में पारंगत है, आपके दरबार में बहुत बिलक बिलक क्षेत्र की बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, आप उसको भी एक स्थान दे दीजिए। कथा कहती है कि उसने उस आदमी के सामने भी नहीं देखा और उस लड़के के सामने भी नहीं देखा, मोहम्मद ने नीचे देखते हुए कह दिया कि 1 साल के बाद लाना, न कोई वार्तालाप, न देखा भी, और कह दिया 1 साल के बाद लाना। और वो लेकर चला गया, सोचा कि एक परीक्षा उसकी बात बाकी, एक डिग्री बाकी है 1 साल का। उसने कहा ठीक कहा, लेकिन सोचने लगा कि सामने भी नहीं देखा, ठीक है एक डिग्री बाकी है वो दिलवा दूं, 1 साल उसने बहुत कोई विषय बाकी रह गया होगा उसमें, फिर उसने प्रयास किया और 1 साल में वो डिग्री प्राप्त कर ली, लायकात प्राप्त कर ली, और फिर ले आए। और कहा कि अब ये पूरा हो गया है, अब आप उसको अपने दरबार में जगह दीजिए। कहते हैं उस सम्राट ने, इस मोहम्मद ने उनके सामने देखा और कहा कि 1 साल के बाद आना, पहले तो देखा ही नहीं और ऐसे ही भेज दिया, दूसरी बार कहा कि 1 साल के बाद आना,
लेकिन देखा कम से कम इतना सुधार हुआ। वो आदमी सोच रहा है कि ये क्या मामला है, एक साल के बाद आना, एक साल के बाद अब बेटे में कमी क्या है और ये बार बार बेचता है, लेकिन है बड़ा और मुझे उसके दरबार में बेटे को स्थान दिलवाना है तो उसकी माननी पड़ेगी। एक साल और बीत गई, फिर ले आया। उस समय उस आदमी को पूछा कि आप इतनी क्यों आग्रह कर रहे हैं आपके बेटे को मेरे दरबार में बिठाने का, क्या बात है, जिद क्यों कर रहे हैं, मैं दो बार आपको भेज दिया फिर भी आप आए हैं, तो बात क्या है। बोले ये बहुत क्षेत्रों में काबिल है और आपके दरबार में सब तरह के लोग हैं, लेकिन सूफीवाद का जो रहस्य धर्म है उसको जानने वाला कोई व्यक्ति आपके दरबार में नहीं है, तो सूफीवाद के रहस्यों को ये मेरा बेटा जानता है, बड़े बड़े सूफी पंडितों से उसने तालीम ली है और आपके दरबार में एक ऐसा होगा तो अच्छा है। तब कहा कि ठीक है, फिर एक साल जाओ। उसने कहा कि अब कहाँ जाए, क्या बात है। बोले आपको नहीं कह रहा हूं, आपके बेटे को कहता हूं, मेरे दरबार में आपको बैठना है तो एक काम करो, कोई सूफी संत के पास जाकर कुछ बोले बिना मंत्रवत उसको सुनो, ग्रंथों से पढ़कर आया वो नहीं, उपासना कर। जिसने पाया है इनके चरण में बैठ, तू सूफीवाद का पंडित है निश्चित, अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है, कबूल, लेकिन स्वाभाविक जो सूफी सदगुरु है उनके पास जा और वहां आग्रह भी मत करना कि कुछ सुनाओ, बैठ जा, उपासना कर ले उनकी हर चेष्टा। और ध्यान देना, ऐसे कोई महापुरुष को तू सदगुरु बना और उसको मंत्रवत सुन। और ध्यान देना, तू उसको सदगुरु मान ले इतना पर्याप्त नहीं, घटना तब घटेगी वो तुझे शिष्य मान ले। तूने तेरी ओर से समर्पण कर दिया लेकिन वो भी तुझे कबूल करे, उस क्षण की प्रतीक्षा करियो जब वो कभी वात्सल्य भाव से तेरे सिर पर हाथ रखकर कहे कि बेटा तू मेरा, फिर आना। तीसरी बार एक साल के लिए भेज दिया। और जिसकी सच्ची लगन होती है उसको मिल जाता है, उसको कोई ऐसा महापुरुष मिल गया, कोई सूफी संत मिल गया, बड़ी घटना है, मुझे बड़ी प्रिय लगती है। उनके पास एक साल बैठ गया बस, कभी वो बोलता है महात्मा, कभी नहीं बोलता है, बस चरण सेवा करता है, इनके स्वभाव के अनुकूल बस किंकरी में डूब गया है, बस किंकर भाव में डूबा। एक साल की कैलेंडर वो देखता रहता था प्रतिदिन, उनका बाप, जल्दी साल पूरा हो जाए तो लेकर जाऊं कि ये तीसरी साल भी पूरी हो गई, अब आप जगह दे दे। और कहते हैं कि एक साल पूरी हुई और उसका बाप बेटे को लेने गया, उस समय बेटा इस सूफी संत की चरण सेवा कर रहा था, एक वृक्ष के नीचे अलमस्त दशा में वो सूफी महात्मा पड़े हैं और उनकी सेवा कर रहा था। बाप ने जाकर आवाज दी, बेटा अब चलो, साल हो गई, तीन साल हो गई, अब तीसरी साल भी पूरी हुई, अब तुम्हें जगह मिल जाएगी, चलो। बेटा ने सुना ही नहीं, यंत्रवत गुरु को सुना होता तो बाप की भी सुनाई देती, लेकिन एक साल में उसने मंत्रवत सुन लिया ताकि अब गुरु की बोली के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता।
पता ही नहीं कि कोई आवाज दे रहा है, कोई बुला रहा है, वो चरण दबा रहा है। बहुत बार कहा लेकिन इस तरफ बेटे ने देखा ही नहीं। तब बाप ने कहा कि अब कोई काम का नहीं रहा, मैंने इतना प्रयास किया इसके लिए और ये बिल्कुल निकम्मा सिद्ध हुआ, ये कोई काम का नहीं। बाप बेचारा निराश होकर लौट गया। साल पूरी हुई, गिजने के दरबार से निमंत्रण आया कि उस वडील को बुलाओ, अपने बेटे को ले आए। तो बाप गया और कहा कि बेटा कोई काम का नहीं रहा, खबर नहीं महात्मा ने क्या भुरकी डाल दी, क्या जादू कर दिया, कोई हमारा न रहा, कोई काम का नहीं, इतना पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद हो गया, सामने देखने को भी राजी नहीं, खबर नहीं उस संत ने क्या कर डाला। तो नहीं आया क्या? बोले नहीं। बड़ा मोड़ लेती है कहानी। तब वो सम्राट खड़ा हो गया कि अब मैं उसके पास जा रहा हूं, अब तक तू मेरे पास लाता था, अब स्थिति आ गई कि अब मैं उसके पास जा रहा हूं। सम्राट अपने संगी साथियों को लेकर जाता है, वो गुरु की सेवा में रत है। सम्राट ने द्वार पर वो दस्त दी और कहा कि मैं स्वयं आया हूँ, जिसको मैंने 3 बार 1-1 साल के लिए भेज दिया था, अब मैं उसको बुलाने आया था। तो कहते वो महात्मा भी खड़ा होकर थोड़ा आगे बढ़ा और कहा कि अब तेरे दरबार को शोभित करने जैसा ये हो गया, आज तक जितनी पढ़ाई की ऐसे लोग तो तेरे दरबार में थे ही, लेकिन अब तेरी दरबार की शोभा बढ़े ऐसा ही हो गया है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, तू उसको निमंत्रण दे, वो आना चाहे तो तेरे साथ आ सकता है, मेरी कोई वो नहीं। और तब तक वो बाप भी आ गया कि क्या मामला है, जरा देखे सम्राट गया है क्या होगा। और फिर संत ने उसको कहा कि बोल भाई, सम्राट लेने आए हैं। उसने कहा कि अब मैं दूसरे दरबार में पहुंच गया, अब इस दरबार का सभासद मैं नहीं हो सकता, अब मैं नहीं आ सकता। जो किसी सदगुरु के हो जाते हैं वो दुनिया के कोई काम के नहीं रहते, और दुनिया के किसी काम के नहीं रहना वो कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। मेरे पास कल रात को एक बहुत प्रामाणिक चर्चा हो रही थी, हमारे एक स्नेही कह रहे थे कि बापू मैं धंधे में कहीं ध्यान नहीं देता हूं, फैक्ट्री नहीं जाता हूं, इधर उधर नहीं जाता, तो फिर समय नहीं जाता है। ये बड़ी प्रामाणिक चर्चा थी, बड़ी प्रामाणिक हृदय की बात थी कि फिर समय नहीं जाता। अरे समय क्या कालातीत हो जाता है साधक, क्योंकि कोई काम न रहे ऐसा खालीपन अध्यात्म जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आदमी खाली हो जाए कहां होता है, हम तो होली प्रकट करते हैं, हवन कहां करते हैं। होली और हवन में बहुत अंतर है। होली में चूरे हुए कंडे लाए जाते हैं, गालियां बोलकर लकड़ियां लाई जाती हैं, और यज्ञ में मंत्र के साथ आहूतियां दी जाती हैं। हमारा पूरा जीवन होली का ढेर होता जा रहा है, हवन की सभ्यता हम भूले जा रहे हैं। ढेर तो बड़ा हवन में ढेर नहीं होता, हवन में गड्ढा होता है, होली में ढेर होता है। समय नहीं जाता
ये प्रमाणिक बात है, लेकिन इतना समय खाली रह रहा है ये कोई कम उपलब्धि नहीं है यदि कोई आध्यात्मिक पुरुष को पूछो, जहां हर क्षण किसी न किसी कर्म में लगी है। विक्षिप्त दशा में करीब करीब चित, ये तो आदमी पागल क्यों नहीं होता, ये समस्या है, भगवान की कृपा है। इतने विक्षिप्त दशा में हम जी रहे, इनमें कोई काम न रहे, वो अध्यात्म दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब मंत्रवत सुना जाए, यंत्रवत नहीं। यंत्रवत अच्छा है, कैसेट सुनते रहो इसमें भी ठीक है, लेकिन जीवंत सुनो, इसकी महिमा बहुत है। हम कैलाश गए ना, तो वैसे तो ठीक है, अच्छा है, कुछ चित्र सब ले ले तो देखो, आपको भी दिखाया गया स्लाइड, लेकिन सब फोटे फोटे, ये अपनी नगद आंखों से थोड़ा कैलाश देख लो ना, कैमरे की आंखों से क्यों देख रहे हैं? ये मौका बार बार कहाँ, कैलाश का चित्र तुम्हारे कैमरे में जो फोटा निकलेगा इससे भी ज्यादा अच्छा बाजार में मिलता है, क्योंकि बहुत कुशल फोटोग्राफर ने लिया होगा, लेकिन उसी में समय चला जाता है। मैं तो देखता ही रह गया, कितने वो शायद गिनती करे तो खबर नहीं इतने फोटे कभी पड़े होंगे। अच्छी बात, ध्यान देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं अब फोटे ले लो, फिर घर जाकर शांति से देखेंगे। अरे अशांति से तू परम शांति में आया, और घर में जाकर खाक देखेगा तू? घर में तुझे कोई देखने देगा? सब्जी ले आओ, जाओ ये करो ये करो, घर में तो महाभारत है। इस भौतिक स्वभाव का मैं भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो कैमरे की आंख से हिमालय को देखना, और प्रभु ने जो आंखें दी है उसको देखना, उसको आत्मसात करना। खाली समय कहां मिलता है लोगों को, उस समय को कहीं सत्संग मिले तो उसमें लगाओ, स्मरण में लगाओ, शास्त्र स्वाध्याय, और इनमें कहीं रुचि, इनमें भी उब जाओ कि कितना पाठ करे, कितना पारायण करे, कितना जप करे, ये भी हो सकता है, इस वास्तविकता का भी इनकार नहीं किया जाता। तो मेरी व्यास दादी कहेगी कि कुछ भी किए बिना बैठे रहो। गुजराती में कहे है ना कि समझी ने सुई रहे तो करव नहीं काम, लेकिन कुछ किए बिना बिना बैठना वो तो कितनी बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई है। मंत्रवत जो सुनता है उसका यंत्रवत पना छूट गया, धीरे धीरे पहुंचेगा। प्राणों से निकली बात जब श्रवण में जाती है तब प्राण को कप कपा देती है, हिला देती है। वाल्मीकि जी ने इसी श्रवण को प्रथम स्थान दिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिया। तुम सुनते सुनते तुमको भी हटा दो, बस तुम्हारे पास दो दरिये हैं, और सुनते सुनते वक्ता को भी हटा दो कि वहां गंगा के सिवा कुछ नहीं, केवल कथा नदी हो जाए और हम आपापना भूल जाए और हमारे कान सागर हो जाए, तो हो जाता है मंत्रवत सुनना।
पर ही निरंतर ओ पूरे तीन के अब ये पद्धति है मंत्रवत सुनने की। फायदा क्या हुआ? वाल्मीकि जी ने कहा कि फायदा ये हो गया कि इस तरह मंत्रवत सुनने से जिसका नाम महामंत्र है वो तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। तुम्हारे हृदय में जिसका नाम महामंत्र है वो स्वयं परमात्मा आसन लगा देगा, नित्य निवास करेगा। तो इस तरह का श्रवण जब हमारा होने लगे तब यंत्रवत्पना छूट जाएगा। अर्जुन ने जिस तरह सुना होगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें भगवान कृष्ण बोले, तो जो हमारा अपना भाव है उस पर हमारा विजय नहीं हो रहा है। स्वभाव पर जब विजय हो जाए वही शूरवीरता है। स्वभाव विजयः शौर्यम् सत्यम च समदर्शनम्। उद्धव ने पूछा वीरता क्या है, तो यही वीरता है। सुनते सुनते कुछ स्वभाव पर काम होता है। बस मैं अपने यहां जो महाराज श्री को सुन रहा था ना, उस समय की बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि वयम खलाहा सहोत्पत्या। भगवान कृष्ण को काली नाग ने कहा कि आप मुझे मारे वैसे ही हम मर जाएंगे, प्रारब्ध पूरा होगा, हमारे कर्मों से मर जाएंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। हमको मारना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे स्वभाव को मार दे तो मानो कि तू वीर है। और उसी समय भगवान कृष्ण ने कह दिया कि स्वभाव को बदलना तो मेरे बस में भी नहीं है, इसीलिए तो कोई संत के पास चला जा। स्वभाव पर थोड़ा बहुत काम बिना सत्संग हो ही नहीं सकता, ये तो निर्भय मेरा तो दृढ़ मानना है भाई, और कोई माने ना माने, स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन हो बिना सत्संग असंभव है। और सत्संग करते करते स्वभाव पर थोड़ा विजय हो जाए, अपने में जो जो भाव है, फिर अच्छे बुरे जो जो है, वासना के है उपा जो जो भी हो, उस पर जब हमारा वो ही शूरवीरता है, ऐसा उस स्वयं ने कहा है। क्योंकि कृष्ण वीर शिरोमणि है, दंड न्यास परम दान, काम त्याग तपः स्मृतम्। ये भागवत का ये प्रकरण पढ़ने जैसा है, बहुत छोटी छोटी व्याख्या है लेकिन बड़ी मार्मिक व्याख्या। उद्धव जी ने एक प्रश्न ये भी पूछा है उसमें कि महाराज आप अपने ढंग से बताइए, बिल्कुल मौलिक बात बताइए, इधर उधर कहीं से उधार मत लाना, आप बताइए। बोले क्या कि आप कृपा करके ये बता दीजिए कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मुझे कल एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आपने कहा कि स्मृतियां तो बदलती रहती हैं, नई नई स्मृतियां आती हैं, उसमें नई नई व्याख्या आ जाती हैं, तो पाप पुण्य की व्याख्या फिर नई नई बदल जाती है, तो फिर किसको हम कबूल करें? तो भगवान की स्वयं की पाप पुण्य की व्याख्या क्या? भगवान को कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं, न पुण्यम। शंकराचार्य को नहीं तो शंकर को कैसे? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकराचार्य कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। आदि शंकर जो शंकर के स्वयं अवतार है, लेकिन जब धरा पर आए अवतार तो वो कहते हैं मुझे कोई पाप पुण्य नहीं तो शंकर को कैसे? ईश्वर को कोई पाप पुण्य नहीं। धनवाना धन वाला आदमी धन वाले को देखता है,
क्योंकि अपने पास धन है तो दूसरे धन वाले को भी देखेगा, तुलना करेगा, क्या है, कितने में है, क्या है। बुद्धिमान आदमी की बुद्धिमान से जमेगी, क्योंकि वो सोचता है कि बुद्धिमान कितना है, क्या है। शक्तिमान शक्तिमान से जमेगी। जिसके पास थोड़ा है वो दूसरे में फिर देख। भगवान को स्वयं कोई पाप पुण्य नहीं है, इसलिए आश्रित हो जाओ तो वो तुम्हारे पाप पुण्य भी देखता नहीं, क्योंकि उनके पास पाप पुण्य नहीं है। बहुत छोटी बात है पाप पुण्य। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें पुण्य छोड़ दें, लेकिन बहुत भजन जिसको करना है उसको इतने डर में नहीं रहना चाहिए। निकल जाओ आगे, हरि नाम सबसे बड़ा पुण्य श्लोक है, इससे बड़ा कौन। तो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आप बताइए। बहुत छोटा सा जवाब दिया, स्वर्ग सत्व गुणोदय, इतना ही जवाब है। व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण का विकास होता चले, इसका नाम भगवान कृष्ण ने कहा स्वर्ग है। स्वर्ग कोई भौगोलिक कथाएं आती हैं स्वर्ग, लेकिन खबर नहीं। और भगवान जो बोलते हैं ज्यादा प्रमाण है। सत्वगुण की वृद्धि, जब बार बार सत्वगुण उदित होता रहे, अस्ताचल में वो ही न जाए, बस विकसित होता मध्यान तक जाए और फिर नीचे उतरे ही ना, बार बार बढ़ता ही चले सत्वगुण, वो ही स्वर्ग है, ऐसा भागवत जी में स्पष्ट है। अभी हम सब सत्संग में बैठे हैं, स्वाभाविक सात्विक वातावरण, सत्व चर्चा हो रही है, सत्व का थोड़ा विस्तार हो रहा है, तो स्वर्ग है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि जहां तमोगुण बढ़ता है वो नरक है, ऐसा स्पष्ट कह दिया है, वो नरक है। तो ऊपर नीचे स्वर्ग नरक होंगे, जब जाए तब देख लेंगे, जल्दी भी क्या है। लेकिन एक बात याद रखो, जिसके स्वभाव में सत्व है वो नरक में जाएगा, वहां भी स्वर्ग पैदा कर देगा, ये नियम है। तुम्हारा और स्वर्ग की बात दूर की, तुम्हारे स्वभाव में स्वच्छता है ना, तो आप गंदी धर्मशाला में ठहरोगे तो भी अपने हाथ से साफ करके आप अच्छा कमरा कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी रुचि स्वच्छता में है। बिल्कुल धरातल से देखिए, और तुम्हारी रुचि स्वच्छता में नहीं तो आप 5-स्टार होटल में भी गंदगी कर सकते हैं। कोई अच्छा कमरा उसको दे दो कहीं, लेकिन जिसकी स्वच्छता के बारे में उसकी स्वभाव में नहीं, तो कहीं भी पान की पिचकारी लगाएगा, कहीं भी बीड़ा फेंकेगा, कहीं ये करेगा, स्वर्ग को भी दूषित कर देगा। स्वर्ग और नरक हम सब अपने संग संग लिए हुए हैं। तमोगुणी जहां जाता है अच्छे वातावरण में नरक निर्माण कर देता है, और सत्वगुणी जहां जाता है नरक जैसे वातावरण में भी स्वर्ग का स्वयं भू निर्माण कर देता है। इस सत्य को हम कैसे अनदेखा करें। स्वर्ग सत्व गुणोदय, उद्धव सत्व गुण का विकास हो वो स्वर्ग है। सीधी सी बात, कहते नहीं कि एक महात्मा को कोई सुनने गया था, तो महात्मा ने कहा कि पुण्यशाली जो होता है और जो परमात्मा पर भरोसा करता है वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा कोई महात्मा ने कह दिया। तो सुनने वाले ने उसको प्रश्न किया कि महाराज एक मिनट, क्या कि जो पुण्यशाली होता है और परमात्मा पर जिसका भरोसा होता है वो स्वर्ग में जाता है ऐसा आप बोलते हैं, तो ये दोनों की क्या जरूरत है, एक नहीं चल सकता। पुण्यशाली हो और भगवान पर भरोसा ना हो तो वो जा सकता है कि नहीं, अथवा तो भगवान पर भरोसा हो लेकिन बेचारा गरीब हो, कोई पुण्य कर्म न कर सकता हो, तो वो जा सकता कि नहीं। महात्मा ने कहा कि भाई ये
તૈયારી કરીને હું નહોતો આવ્યો. હવે શું કામ ફણગાતું કાઢે છે ભાઈ? યે મેને નહીં સોચા થા, લિખા હૈ ગ્રંથો મે, પુણ્યાત્મા હો ઓર ભગવાન મે ભરોસા હો, વો સ્વર્ગ કા અધિકારી હૈ. હોગા કોઈ ધર્મો મે, દુનિયા મે ધર્મો કી કોઈ કમી નહીં. તો બડા માર્મિક પ્રશ્ન પૂછ દિયા કે મહારાજજી આપ બહુ સુંદર વ્યાખ્યાન દેતે હૈ, બડી સુંદર, લેકિન ઇસકા ખુલાસા કરો. પુણ્યશાલી હો લેકિન ભગવાન મે ભરોસા. કઈ લોગ એસે હોતે પુણ્ય કર્મ કરતે લેકિન ભગવાન મે નહીં માનતે. લો હોતે હૈ સીધે, હમ સેવા કરતે હૈ, હમ મંદિર નહીં જાતે, એસે કઈ લોગ. તો ઇસમે કોઈ બુરી બાત નહીં, સેવા કરો, મંદિર ન જાઓ, લેકિન ઘમંડ ભી ન કરો કે હમ સેવા હી કરતે હૈ, મંદિર નહીં જાતે. મંદિર ને તુમ્હારા કુછ બિગાડા નહીં હૈ. તું જિસકી કુખ સે પેદા હુઆ વો તેરી માં ઓર તેરે બાપ દોનો મંદિર તેરે લિયે મનોતી માનને ગયે થે, તબ તું આયા હૈ પ્યારે. તેરા આગમન કોઈ મંદિર કે દેવ કી પ્રાર્થના કે બાદ હુઆ હૈ, યે મત ભૂલ. સેવા મે માનો તો ક્યા હર્જા કોઈ, લેકિન તુમ સામને વાલે પક્ષ કો ઠુકરાઓ ક્યું, ઉસકો મિટાઓ ક્યું, અપની ઉર્જા ઉસમે ક્યું બરબાદ કરો. એ દૂસરી બાત ગલત હૈ, વો સિદ્ધ કરને મે તુમ્હારી શક્તિ ગવાઓ, ઇસસે અચ્છા હૈ ઇતની શક્તિ ઓર સેવા મે લગા દો ના, તો બાત બન જાય, એક ઘટના ઘટ જાય. કઈ લોગ કહેતે બસ હમ તો સ્મરણ મે ઉસમે માનતે, હમ સેવા મે નહીં માનતે. ઠીક હૈ, ન માનો કોઈ વાત, તોડો મત બસ. કઈ લોગ કહેતે નહીં કથા મે ક્યા જાના, કથા મે ક્યા હૈ, દૂસરા કરો. તો દૂસરા કરો, લેકિન કથા કી આલોચના ક્યું કરો? હિન્દુસ્તાન કી આજ તક કી જીતની તરક્કી હૈ, ઇનકે મૂળ મે સત્સંગ હૈ. કોઈ ભી ક્ષેત્ર, કોઈ માને ના માને, મે દાવે કે સાથ બોલતા હું, જબ જેહી જતન જહાં જેહી પાઈ, સો જાન અબ સત્સંગ પ્રભાવ, લોક હું વેદન આન ઉપાયું. ન વેદ મે કોઈ ઉપાય હૈ, ન લોક મે કોઈ વિદાય. જહાં જિસને કિસી ભી ક્ષેત્ર મે તરક્કી કી, ઉસકે મૂળ મે કભી ન કભી કોઈ સિદ્ધ નહીં, શુદ્ધ મહાપુરુષ કા સત્સંગ કામ કર ગયા. સિદ્ધ સે ભી શુદ્ધ શબ્દ જ્યાદા પ્રિય હૈ, ઇસલિયે મે સિદ્ધ શબ્દ બડા આપની મહિમા રખતા હૈ. સિદ્ધો કો વંદન, લેકિન ઇસસે ભી મહિમા હૈ શુદ્ધો કી, જો શુદ્ધ હૈ. કઈ સંસાર મે કઈ લોગ સિદ્ધ હૈ લેકિન શુદ્ધ નહીં દિખાઈ દેતે. ભારત સન્માન કરતા હૈ શુદ્ધો કા, ઇસલિયે મે પંક્તિ ગાતા રહેતા હૂં. મે તો શુદ્ધ રે એ જાણીને તમને એક જિજ્ઞાસા મેરે પાસે, આજ બહોત સી જિજ્ઞાસાએ હૈ ઓર પ્રસંગ કે અનુરૂપ હૈ. એક જિજ્ઞાસા કલ કે અનુબંધ મે આઈ હૈ કે બાપુ કલ આપને કહા કે પ્રભુ સે પ્રેમ કરો, ભક્તો સે મૈત્રી કરો, નાદાનો પર કૃપા કરો, ઓર નિંદા કરે ઉસકી ઉપેક્ષા. પ્રેમ મૈત્રી કૃપોપેક્ષા, જો ચર્ચા ભાગવત કી થી. તો પૂછા હૈ કે બાપુ હમ વો પરમાત્મા જો નિર્લેપ નિરાકાર વ્યાપક પૂરા અસ્તિત્વ અક્ષર બ્રહ્મ જો, ઉસકો તો હમ કહાં દેખ પાએંગે? ક્યા હમ કોઈ એસે મહાપુરુષ મે નિર્વ્યાજ પ્રેમ કર સકતે? હા. ઓર બહોત લોગો ને આજ પૂછા હૈ વો જો રિસ્પેક્ટેડ ડિસ્ટન્સ વાલી બાત, ઇસકા ક્યા મતલબ હૈ, કિતની દૂરી? ત્રણ કદમ દૂરી, ઓર વો ભી તીનો મિટ જાયેંગે. કબ? જબ તુમ કોઈ પરમ કો પ્રેમ કરો.
और परम का मेरा मतलब है पमानी जो पवित्र है। लेकिन कोई पवित्र है वो पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए, पवित्र तो गंगा भी है, लेकिन कहां हम रोज जा पाते हैं। सूरज जैसा पवित्र कौन है, धियो यो नः प्रचोदया। लेकिन कहां शाम होती है, ढल जाता है, फिर वो तमो, फिर वही शाम, वही गम, वही तनहाई। दिल को समझाने तेरी याद चली आई, फिर वही पवित्र है सूर्य। किसी व्यक्ति में बस इतनी वस्तु आप देख लो, तब तक तीन कदम दूर रहो। लेकिन ये तीनों जब आपको ठीक लगे, फिर जरूरी नहीं डिस्टेंस। और मैं तो कहूंगा कि आप तो उसी जगह पर रहो, आप आक्रमण मत करना, उस परम को ही तुम्हारे पास आने दो। क्योंकि उसके कदम सही होंगे, हमारे गलत भी हो सकते। हमारी कुछ क्षणों के लिए हम उसी भाव में होंगे, कुछ क्षणों के बाद खबर नहीं कोई दुश्मन भीतर प्रवेश जाए। इसलिए तुम उसी डिस्टेंस पर रहो, दाता डिस्टेंस तोड़ेगा। और ये तीन परम जो मिल जाए, परम परमात्मा है। और परम का मेरा मतलब किसी महापुरुष में ये परम तत्व आपको, और परम का मेरा मतलब है पमानी पवित्रता। देखते ही लगे कि पवित्र है, तुम्हारी आत्म प्रतीति तुमको बार बार भीतर से शंखनाद करे पवित्र है। मैं एक शब्द का प्रयोग करता रहता हूं, आप जो सुनते हैं मुझे, जिसकी आंख में देखने से पता लगे कि पुण्य ही पुण्य भरा, दुनिया भर का पुण्य ने मानो उसकी आंखों में निवास किया, पका मतलब मेरा पवित्रता। लेकिन केवल कोई पवित्र मिल जाए इतना भी पर्याप्त नहीं, कई पवित्र है। लेकिन रका मेरा अर्थ है पवित्र होने के साथ साथ जो हमारा रक्षण कर सके, रमानी रक्षण, मौके पर आकर हमारा रक्षण करे। बेटा चिंता मत कर, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा एही सम विजय उपाय। बालक के लिए मां समान, अपनी मां के समान कौन पवित्र है, इतना बाप भी पवित्र नहीं है बच्चे के लिए। ईमानदारी से तुलना करो। ठीक मेरे देश के ऋषि मुनियों ने घोषणा की थी, बिल्कुल अकाट्य घोषणा की थी, सबसे पहले मातृदेवो भव। लेकिन वो मां बालक का रक्षण न करे तो किसकी गोद जाएगा। बाप तो दफ्तर में है, बाप तो उलझा है रजोगुण में, बाप तो पड़ा है पूरी जिंदगी की व्यस्तता में, जगत के इस शोर में कहीं भटक गया है। और करीब करीब 90-99% कहना अतिशयोक्ति या अर्थवाद नहीं होगा, बालक तुम्हारा बालक गली में खेलता है और कोई गली वाला बालक उसको मारेगा तो पहले मां को ही पुकारेगा। गुजराती में तो बहुत सारे उभ रहे, मारी मां ने कह दो, क्योंकि उसको लगता है रक्षण करने वाली मेरी मां। बालक कहेगा मेरी मां, मां मेरी रक्षण करे। तो मां पवित्र है बालक के लिए, लेकिन वो पवित्र रक्षित न हो, रक्षण न करे तो। ये तीन कदम है, उसको खूब प्रेम करो जिसमें तीनों दिखाई दे, और उधार नहीं तुम्हारी आत्म प्रतीति से दिखाई दे। कृष्ण
कृष्ण ने कसौटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है गोपियों की, फिर भी गोपियों को पता है कि पवित्र कृष्ण है और रक्षण करने वाला भी कृष्ण है, विष जलाप तैयार, अनुभव था हमारा रक्षण वो करेगा, अंत आएगा तो गवाही वो पर देगा, छोड़ दो उसको ये मेरा है। तो पका मतलब है पवित्र, रका मतलब है रक्षण, लेकिन पवित्र भी है, रक्षण करने में सब तरह से समर्थ भी है, लेकिन आखिर में मंगल न करे, आखिर में कल्याण न करे, निर्वाण तक की यात्रा। सदगुरु तो शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के घर में नहीं, भगवान की गोद में बिठा देता, ले अब तू संभालना, मैं दूसरों को लेने जा रहा हूं, मेरा यही काम है। ये संभवामी युगे युगे तू बोल गया ना, वो पूरा संत लोग करते हैं, जब जरूरत पड़ती है कोई ना कोई आता है। गोस्वामी जी ने ठीक शब्द का प्रयोग करा, तब तब, जब जरूरत होगी, जब जरूरत होगी उसी समय आएगा। और ये फेरा कर से बस ना फेरा ले, नहीं चित्रकूट ले जाए पाछी लावे, एम सदगुरु फेरा करता हुए, हेलो बस खाली से चढ़ी जाओ मारा बाप, और जो अधिकारी हो चढ़ जाएंगे, उसको निर्वाण पहुंचा देंगे, फिर लेकर फिर शंकर दोबारा आएगा, फिर रामानुज आए कोई ना कोई रूप में, सीधी सी बात है। तो जो पवित्र है और साथ साथ हमारा रक्षक भी है, और संग संग हमारा मंगल भी करता है, हमारा परम कल्याण कर देता है, वो है परम। ऐसा परम यदि कोई मिल जाए तो उसके प्रति वही श्रद्धा उसकी ओर ही जा रही है। और ये तीन कदम है, और इसकी पूरी प्रतीति हो जाती है, तब वो डिस्टेंस वो ही दूर कर देता है। और उसको ही आने दो, जल्दी मत करो, प्रभु को आने दो, वो आया है। जब जब जरूरत पड़ी, कितना लंबा फासला काटकर वो आता है, वो आता है, एक कदम हम चले इतना करें तो आ जाता। तो जो पवित्र हो, मैं तो शुद्ध रे ए जानी ने तमने से लिया, कहती है अमर मां, हे सदगुरु देवीदास तू तो सिद्ध हो मारा बाप, लेकिन मैं तुझे सिद्ध मानकर नहीं शुद्ध मानकर भेजती, नखशिख शुद्ध है तू, मैं तो शुद्ध रे ए जानी ने तमने से अरे किसी संत के पास भी कितना बड़ा संत क्यों ना हो, लेकिन जो पात्र उनके पास है वो पात्र गंदा है, तो कपिला गाय का दूध डालने से बाद संत के पात्र में भी दूध गंदा हो जाएगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं उसमें कोई भी चीज डालो गंदी सिद्ध हो जाएगी। लाख उपासना करो, लाख जप तप करो, उसका मूल्य है, वो स्वयं मैल को काटेगा, इस पक्ष को मैं अनादर नहीं कर सकता, लेकिन अंतःकरण यदि बिगड़ा है तो यह शुद्ध जप तप भी इतनी देर तक आपको शांति नहीं लेने देगा जब तक पहले पात्र शुद्ध न हो जाए। भीतर जिसका हम उठकाए गया हो जना, भीतर राख थी अनुपजी खाटलानी काफी थी जन
पोता तो हजी थोड़ी गंदगी राखे, पोता बहु साफ नहीं करी सकता, पण चूलानी राख कोई योगी कोई जटाजूट कोई दुर्जटी की बस जो भूति से विभूति बन चुकी है। शंकर के घर में क्या क्या था, लेकिन वो भूति आज आज जगत का कण महोक्ष खटवांग परशु रजिना बस कपालम चेति तब वरद तंत्र उपकर। काथी से इतनी कठोर वस्तु से जिसका अंतःकरण साफ हो गया, ये पवित्रता, वो रक्षा करने वाला सामर्थ्य और वो मंगल की जिम्मेवारी लेना वाला भी परम माना जाता है व्यास गादी की दृष्टि में। मैं तो सुधरे ए जानी ने तमने से मारा रुदिया दीवा दिवस रात ए जीवन भले सामिया ए करो रे मारा साथ समैया ए करो रे मारा प्रतापे अमर मा बोलिया गर्वा देवांगी ए प्रतापे अमर मा बोलिया। ऐसी माता को मदर कहकर राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए। दो जरूर सम्मान दुनिया को, लेकिन भारत ने कितनी मधर दी है इनको तुम अनदेखा करो। तो इस देश ने किसी को पैदा ही नहीं किया, कुछ लिमिट तो होनी चाहिए। हमारे तो रामायण के न्याय से बोलूं तो सबको सम्मान मिले वो साधु का लक्षण है। सब ही मान प्रद आप अमानी, लेकिन सम्मान देने वाले में कुछ बुद्धि तो होनी चाहिए। मैं तो सिद्ध रे जानी ने तमने से मारा रुदिया ए जीवन भले भले जा। मैं तो करुणा कड़श पाते पधारो
कलंक देवी दास ए जीवन भले तो जो परम है उसको प्रेम करो, और परम की हमारे दिल में बैठ जाए इतनी व्याख्या व्यास गादी करना चाह रही थी, तो कि जो पवित्र है, जो हमारा रक्षण करेगा, कोई भी स्थिति हो हमारी रक्षा करेगा, और इतना ही नहीं मंगल भी करेगा, हमारी परम गति तक हमारा परम कल्याण की जिम्मेवारी लेगा, वो है परम। ऐसा कहीं मिल जाए तो अस्तित्व ही उतरा है, ऐसा समझना। अवतार के रूप में ही है ऐसा समझना। और ऐसे महापुरुष जो शुद्ध है, सत्वमय है, वो जहां जाएगा वहां स्वर्ग निर्माण कर देगा, और तमोगुणी जहां जाएगा अच्छी जगह में भी थू थू करके बिगाड़ देगा। स्वर्ग सत्व गुणोदय। तो उस महात्मा को पूछा कि पुण्यात्मा हो और भगवान में भरोसा न हो तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता, और यदि भगवान में भरोसा न हो और पुण्यात्मा हो तो नहीं मिलता। आपने दो लगा दिया तो आपका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि भाई ये तैयारी मैंने नहीं की थी, ये तू प्रश्न ऐसा उठाएगा हमको पता नहीं, लेकिन रहा होगा समझदार और निखालस, मन क्रम वचन लबार नहीं रहा होगा। तो कहा कि भाई साहब, महात्मा ने कहा कि भाई आपने प्रश्न पूछ दिया लेकिन उसका जवाब अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, कल जरा देख करके तैयारी करके आऊं और फिर आपका जवाब दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, कल क्या परसों देना, लेकिन प्रश्न याद रखना, पुण्यात्मा जो हो और परमात्मा पर जिसका भरोसा हो वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो पूछना इतना ही है कि पुण्यात्मा हो और भगवान पर भरोसा नहीं तो नहीं जा सकता क्या? क्या बात है, दोनों में एक दिन की मुद्दत डाली, और कभी सोचा नहीं था तो घर आकर वो बेचारा सो नहीं पाया, बिना एकादशी उसका अनशन हो गया, क्योंकि भोजन की रुचि ही नहीं हुई कि उसका जवाब क्या दे, इतने लोग मुझे सुनने आते हैं और ये आदमी ने बड़ा मार्मिक प्रश्न कर दिया। तो रात भर वो सोया नहीं, लेकिन एक तो मानसिक थकावट थी और कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, तो कहते हैं कि फिर वो रात को अंतिम प्रहर में बेचारा थकावट के कारण उसको नींद आ गई, और नींद आई ही और उसमें सपना आया। सपने में वो एक ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन सीधी स्वर्ग जा रही है। अभी एक नवी गाड़ी शुरू थाई तो बहुत फायदो थे जाए, नवी ट्रेनों हमें जो शुरू थाई जाए ऐसी कोई नई ट्रेन। वैसे तो रास्ता यहां गायंती, जो बार बार में उसको पुकारता रहा, गायंती देवाह किल गीत गाने, निर्वाण का मार्ग वाया हिंदुस्तान ही जाता है, और दर्शनों से निर्वाण पाना मुश्किल है, भारत के दर्शनों से ही जाना पड़ेगा मुक्ति का मार्ग, किसी को भी मुक्त होना है। कहते हैं जीसस भी कश्मीर में आए थे, सुना गया है पढ़ा गया है कि जीसस भी आखिर में कश्मीर में, क्योंकि वाया हिंदुस्तान ही जाना पड़ता है।
मुक्ति में। तो बेचारा सपने में ट्रेन में बैठा और ट्रेन सीधी डायरेक्ट डिलक्स सीधी वहां से सीधी स्वर्ग तक, वहां वो स्वर्ग में रुक जाती थी ट्रेन। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ट्रेन ही स्वर्ग जाती है और मैं जा रहा हूं तो प्रमाण लेकर ही लौटूंगा और कल धड़ाका कर दूंगा कि लो ये प्रमाण, क्योंकि वहां देख कर, क्योंकि वहां पुण्यात्मा होंगे, सब पुण्यशाली आदमी वहां होंगे। तो सपने में ट्रेन चली और वो ट्रेन जब रुकी तो बिल्कुल सीधा स्वर्ग का स्टेशन, बिल्कुल बड़े तीन भाषा में लिखा हुआ था, राष्ट्रभाषा में, इंग्लिश में और प्रादेशिक भाषा, वहां की प्रादेशिक भाषा संस्कृत, स्वर्ग की बोली, तीन भाषा में लिखा था। गाड़ी रुक गई क्योंकि वहीं से वो गाड़ी आगे जाने वाली नहीं थी, तो एकदम वो उतरा और बड़ा ठीक से देखा तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा था यही स्वर्ग है। लेकिन आदमी हैरान हो गया कि स्टेशन बिल्कुल गंदा, इधर उधर कोई थूका है, कोई ये किया है, कचरे के ढेर पड़े हैं और बदबू लगा रही है सब चारों ओर, बिल्कुल वैरान, न कोई वनस्पति न कुछ। तो उस ट्रेन के जो संचालक थे वो, या ड्राइवर और तो गार्ड आदि जो थे, उसको उसने पूछा कि ट्रेन कितना समय यहाँ रहेगी। बोले आज रात यहाँ रहेगी, कल सुबह फिर पुण्य की फिर ट्रेन पहुँचा देगी वहाँ फिर। तो बोले मैं जरा चक्कर लगा लूँ कि ये मामला क्या है, कोई दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैरान, सुना सुना सब है, गंदगी इतनी है, बदबू है। सुना तो था कि स्वर्ग में तो इत्र के चश्मे बहते हैं और ये होता है, और यहाँ तो कुछ नहीं है, अंदर जहाँ जाए कोई नहीं, बिल्कुल वैरान सुनसा। तो फिर उसने कई नाम गिनाए होंगे कि इतने इतने महापुरुष हो गए हैं, वो यहां नहीं आए तो गए कहां, ये खाली बिल्कुल है, क्या हद कर दी तुम लोगों ने, ये कहां गए सब हमारे देश से, इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष आए। और कोई हमने तो सोचा कि उसके बड़े बड़े प्रासाद होंगे, उसकी तख्तियां लगी होगी, आगे लोन होगी, गार्डन होगा, ये सब होगा और झूला होगा। बारिश होती होगी और बारिश में थोड़े भजिए बनते होंगे, ये सब गए कहाँ। श्री राधे। लेकिन पूरी रात उसके पास थी तो बहुत यात्रा की उसने, न स्कूटर मिले, न रिक्शा मिले, न घोड़ा गाड़ी कुछ मिले नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई नहीं, और न कोई सामने मिले, न किसको पूछ, बिल्कुल सन्नाटा। थक कर बेचारा लौटा स्टेशन पर, विश्राम किया और फिर सुबह में ये ट्रेन तो लौटने वाली थी, लेकिन उसने पूछा कि भाई स्वर्ग, ये स्वर्ग ही है तो ये बोर्ड तो नहीं बदल गया, भूल चुक तो नहीं हो गई। तो पूछा कि फिर नरक जाने की कोई ट्रेन है? बोले हाँ, 2 घंटे के बाद छूटेगी यहां से, टिकट के उसमें टिकट लेनी पड़ती ही नहीं, उसमें टिकट की जरूरत नहीं, चेकिंग बैकिंग कुछ नहीं, जहां पाए बैठ जाओ। फिर वो ट्रेन वापस आएगी कि हाँ, तो फिर चलो ना, आए हैं तो वो भी देख ले कि मामला क्या है। फिर नरक की ट्रेन में वो बैठ गया और फिर दिन भर ट्रेन चली और जब गए नरक तो बड़ा बोर्ड तीन भाषा में लिखा हुआ, ये नरक है लेकिन बिजली है, साफ सुथरे रास्ते हैं, क्या क्या नहीं है, जलाशय हैं, बाग हैं, वाटिका है, उपवन लगे, बड़े बड़े महल हैं।
और वो अपेक्षा करके गया था कि स्वर्ग में ये सब बड़े बड़े होने चाहिए, वो सब वहीं थे। लेकिन जरा प्रतीक्षा करना, मैं क्या कहने जा रहा हूं, अपने ढंग से आगे मत बढ़ जा। सबकी तख्तियां लगी थी, सबकी डिग्रियां लगी थी, परम पूज्य धर्म धुरंधर इतने इतने सब की तख्तियां लगी थी, सब बड़े बड़े। तो ये बड़ा हैरान हो गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, मैं पागल हो गया हूं, ये मेरी बुद्धि वो हो गई कि जहां स्वर्ग होना चाहिए वहां ये सब होना चाहिए, और वहां बिल्कुल सूना साना वीरान, और यहां ये इतनी खुशबू, और ये महापुरुष सब यहां कैसे। तब एक आदमी ने जवाब दिया कि तुम दिग्भ्रम नहीं हुआ है, तू सही ठिकाने, ये नरक ही है, लेकिन ये जितने महापुरुष यहां आए ना, उसने नरक को भी स्वर्ग बना दिया। वो नरक में यदि गए हैं तो नरक को भी स्वर्ग कर देता है, क्योंकि स्वर्ग सत्व गुणोदय। तो स्वच्छता जिसके जीवन में है वो गंदी कोटड़ी को भी स्वच्छ कर देगा, और जिसके जीवन में अशुद्धि ही जिसका स्वभाव है उसको अच्छी से अच्छी। तम तम घना लोगों ने सारा में सारू मंदिर आपो ने बे दिवस में बगाड़ी ना करना, माख्यो बड़ बढ़ती है। यानी कई लोगों को स्वच्छता प्रिय हो, वो टॉयलेट भी इतना स्वच्छ रखेगा, बाथरूम भी इतना स्वच्छ रखेगा। स्वर्ग और नरक हम सब स्वभाव अनुकूल संग संग लिए फिरते हैं जहां जाएगा। तो तमोगुण की जहां उद्धव वृद्धि होती है वो है नरक। बंधुर गुरु, बंधुर गुरु रहम सखे, हे उद्धव इस दुनिया में सच्चे भाई बंद, भाई बंधु तेरे गुरु के सिवा और कोई नहीं, कृष्ण के वचन है। सच्चा बंधु गुरु ही है, लेकिन बहुत पते की बात, ये गुरु कौन है? अहम सखे कृष्णम वंदे जगत। शायद उद्धव पूछे कि आप कहते हैं सच्चा बंधु भाई गुरु ही है, तो वो गुरु कौन है? तो कह दिया अहम सखे अर्जुन, वो मैं हूं। इतना कह स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शन। कौन वीर जिसने अपने स्वभाव पर विजय कर लिया, स्वभाव की दुर्ब। श्रीमद रामचंद्र जी ने भी यही कहा, शतावधानी महापुरुष ने भी यही घोषणा की। बदन तो देखो श्रीमद रामचंद्र का, फूंक मारो गिर जाए, लेकिन वीर थे जिसने स्वभावगत वासना को जीत लिया, वो वीर है। कृष्ण के बारे में भागवत जी में भी आया है, 16108 रानियां नकशिक तैयारी होती थी, मांग में सिंदूर, आंख में कजरा, हाथ में कंगन, बाजू बंद, कटी मेखला, नुपुर, कंठ में हार, न जाने अद्भुत अद्भुत आभूषण 16000 तैयार होती थी, लेकिन इनके किसी के भी एक भी नखरा कृष्ण में अनंग को पैदा नहीं कर सकता था। वीर योषिता 16000 के नखरे कृष्ण को मोहित नहीं कर सकते थे, कोई अनंग बाण कोई काम बाण कृष्ण को विचलित नहीं कर सकता था। ऋषि रूपा गोपी जानती है कि ये प्रसंग तो बाद में आने वाला है, आज तो तू गोकुल में है, ये तेरी आगे की लीला में ये सब घटना घटेगी, लेकिन हम ऋषि रूपा होने के कारण सब जानते हैं वीर योषिता तुम्हारे जैसा वीर शिरोमणि कोई नहीं। और मैं स्वामी जी की टीका आपने जो दिया वो देख रहा था, तो स्वामी जी महाराज अखंडानंद जी महाराज तो लिखते हैं कि गोपियों ने ताना मारा कि बहादुरी हम गरीब स्त्रियों पर क्यों दिखाता है, तुम्हारी यदि बहादुरी है तुम्हारी यदि वीरता है तो अबलाओं के सामने ये अलोप हो गया, हम रो रहे हैं रात के और तू ये बहादुरी बता रहा है।
तुम्हारी बहादुरी दिखाना हो तो ऐसे कई अर्थ संत लोग लगा देते, बड़े यही तो शास्त्रों की आनंद है, यही तो उसकी महिमा है। कितने गहन है हमारे देश के शास्त्र, अद्भुत है। उसी देश में दम भिन्न निज मत कल्प कर प्रकट किए, बहुत पंडित। सोलह हजार कोई उसको वो नहीं कर सकता था, उसको कोई काम बाण चली अचल समाधि शिव को पे वो हृदय निके। बाकी श्री कृष्ण के चरित्र, शिव के कुछ चरित्र देखो, किस तरह बिठाता है अपने अंक में पार्वती को, लेकिन फिर भी वो अचल रहता है वीर योशिता महादेव। तो कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, वो वीरता है, वो शूरवीरता है, स्वभाव विजय शौर्य सत्यम च समदर्शन। तो हे सखे, हे उद्धव, बंधु भाई, प्राकृत जितने संबंध हैं वो तेरा गुरु ही है, लेकिन वो गुरु ये बहुत अच्छा मुझे लगता, वो कह दिया वो बहुत अच्छा, वरना इस शब्द का दुरुपयोग हो जाता कि गुरु ही ये सब, गुरु सब कुछ है, सवाल ही नहीं, लेकिन ये घोषणा बड़ी प्यारी है कि वो गुरु मैं हूं और कोई नहीं, तो मुझे वो समझ, मैं गुरु। हे सखा, स्वभाव पर विजयी राजचंद्र ने भी यही कहा, आदि शंकर ने भी यही कहा कि सच्चा विजय वो ही है कि इस तरह भीतरी दुर्गुण पर, और गोविंद आप वो है। तो वीर बहुत होते हैं, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर, रणवीर, विद्यावीर, कई प्रकार के वीर होते हैं। भगवान कृष्ण दयावीर है, निशंक इनके समान दयालु कौन है, वो तो थोड़ा स्वभाव में उठपटांग है, जरा जरा लड़ाकू उसका मामला स्वभाव, बाकी गोविंद जैसा दयालु दुनिया में कोई है, अद्भुत, मोहब्बत करने जैसा आदमी है। मैं बार बार कहता रहता, प्रीत करो तो हरि से, ठाकुर से करो, अद्भुत है, दयावीर है। दूसरों का दुख देख करके दूसरा जितना दुखी है इनसे भी कई गुना दुखी हो जाता है, ऐसा वो दयावीर है। कृष्ण दानवीर है, चोर नहीं है, दातार है, चोरी भी की तो जिसके घर चोरी करने की लायकात जिसके घर में थी कि वहीं से चुरा लिया जाए, उसी के घर में गया था, घर तो बहुत थे, और वास्तव में वो चोरी करने के लिए नहीं गया था, लूटने नहीं गया था, दान देने गया था, लेकिन रीत उल्टी थी, उसका पूरा क्रम उल्टा था। तो कृष्ण दयावीर है, हे गोविंद आप दयावीर है, आज कठोर क्यों हो रहे हो, गोपीजन कहते हैं, हे कृष्ण आप दानवीर हो, आज हम लूटे जा रहे हैं, और जल्दी दान करना, ये जो मौसम है वो चली न जाए, हम नजर से पी रहे हैं, ये समा बदल न जाए, तुम झुकाओ ना निगाहें कहीं रात ढल न जाए, हम नजर से पी रहे हैं ये समा बदल न जाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूं
ये समा बदल न जाए। मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत, कहीं साथ जल न जाए। ये समा जो है गोविंद, दान कर दो, और दान नहीं चाहिए, तू दूर खड़ा रहना, लेकिन तुम्हारा वो मंगलमय बुखार विंद का दर्शन हो जाए। दर्शन का दान दो, और कोई दान नहीं। तू दान वीर है, इसलिए तेरे पास हम ये करते हैं। तू भी भिक्षुक होता तो हम नहीं मानते, तो तू दया वीर है, तू दान वीर है। हे कृष्ण, तेरे जैसा हमने जगत में कोई धर्म वीर नहीं। हम ऋषि हैं, हमने बहुत वेद पाठ किए हैं, वेद पाठों से नहीं तू पाया गया, तब ये चुनरी ओढ़कर ऋषि मिट करके गोपी बनकर आए हैं यहां। हम जानते हैं शास्त्र की कथाओं को, तुम्हारे जैसा धर्मवीर कोई नहीं। वीर का एक अर्थ होता है भाई, हमारे गुजराती के मुताबिक वीर, मरो वीरो वीरो, बहन के लिए वीर की बड़ी महिमा होती है, पछी वीरो भले ना, वीर बड़ी बड़ी प्यारी। एक राखी का वो बांधता है, उतने बदले में वो बहन 5 साल तक 50-50 अच्छी राखी खरीद ले, इतना दान दे देता है। एक कच्चे धागे के बदले कृष्ण जैसा वीर कौन। द्रौपदी ने एक छोटा सा वो बांधा था, जब वो अंगुली को वो हो गई, और उसके बदले में जब मौका आया तब कितनी साड़ियां पहना दी, कितने ढेर कर दिए। मैंने तो दुशासन फर तो देखा ही था जी, क्या उसकी दशा कर दी, खींचता ही गया सारी। लेकिन एक बात व्यास गादी कहती रहती थी, आप कई बार कहा है बात, कि दुशासन जब गिर गया साड़ियां खींचते खींचते थक गया, तब कहते हैं कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। द्वारिकाधीश उस दिन रोया, किसी ने पूछा होगा गोविंद को, अरे द्रौपदी ने ही पूछा होगा, लाज बच गई मेरी, रक्षा कर दी तूने, अब तो राजी होना चाहिए, अब तो मेरा रोना भी बंद हो गया, मुस्कुराहट हट आ गई, अब आप क्यों रोते हैं। तब गोविंद ने आंसू पोंछे अपने, बोले क्या बताऊं, इस नादान ने, इस दुशासन ने मेरी बाजी बिगाड़ दी। बोले कौन सी बाजी बिगाड़ी, बिगाड़ने तो जा रहा था लेकिन आपने संभाल ली बाजी, और कौन सी। बोले नहीं नहीं, मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई। बोले किस टोन में, किस बारे में आप कह रहे हैं, क्या इरादा है आपका। तब कृष्ण ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि घर में बेटा पैदा होता है तो बहन बेटियों को गृहस्थ 2 साड़ी 5 साड़ी देता है। मेरा परिवार द्वारका में देखो, एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी है, 16,000 रानियां, इनके इतने बेटे और इनके वो, और ये के एक बच्चे की 5-5 साड़ी गिनूं, और आज मुझे पूरा हिसाब करके मेरी बहन तुझे ये इतने बच्चे जो हमारे कुल में आए इनकी 5-5 गिन करके नानो कितनी सब पूरी करनी, लेकिन ये मूठ बेशुद्ध हो गया, मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया, अभी ज्यादा खींचता तो ये सब पूरा ऋण, क्योंकि धर्मवीर है, एक धागे का सहस्त्र धागा, तो तू दयावीर है, तू दानवीर है, हे हरि तू धर्मवीर है। घर में तो सब वीर होते हैं लेकिन तू तो रणवीर है, युद्ध के मैदान में वीर है, और ऐसा वीर के न शस्त्र लेना पड़ा, और अंगुली उठाई कि ये अर्जुन जरा देख ले भाई, ये भीष्म खो खो, ये
ये द्रोण बुढ़ोगियो जिसके जिसके सामने अंगुली उठी उनकी आयुष्य हर ली, केवल निमित बना दिए संस्कार। अर्जुन को तो साफ कह दिया कि तू निमित बन, लेकिन इन सब को भी निमित बना दिया कि तुम बड़ाई मत करो, हम ये करें, तुम सब खोखे हो। जहां जहां अंगुली उठी सबको वो कर दिया, तू रणवीर है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम। घर के वीर तो बहुत होते हैं कलयुग में, तो खूब मारी नाकू नाम करी नाकू घर में, पति पत्नी सुबह से लड़ रहे थे, नवरात्रि मना रहे थे, सुबह 7 बजे से दोनों की तकरार शुरू हुई, 1 बज गया नॉन स्टॉप, प्रतिक्षण वर्धमान कलह में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 1 बज गया तो पड़ोसी एकत्रित हो गए कि हद हो गई, 7 बजे से लड़ रहे और मात्रा जरा भी कम नहीं हो रही है, मामला क्या है? तो पड़ोसी स्वाभाविक स्वभाव से आए और जो पुरुष बोल रहा था, उनकी पत्नी बोल रही पुरुष को, कहा कि भाई साहब जरा बताओ तो सही कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये मूल में 7 बजे से, गुजराती में क्या वधारे भावे, क्या हड़क्यू क्या थी, आप पहलो भड़को क्या थी थियो से ही तो बात करो, क्या थी अशरु थी हवन हतो के होड़ी हती। तो पूछा पड़ोसी ने कि भाई साहब बताइए ना, 7 बजे से लड़ रहे हो दोनों और खबर नहीं उत्तरोत्तर बाँट बढ़ती ही जा रही है, तो बात क्या है? तो पुरुष ने गुस्से में कहा इन्हें पूछो, उसको पूछिए, मुझे क्या पूछते हो, उसको पूछो। तो पड़ोसी बेचारे अंदर गए, तो बहन को, बहन जी बताइए 7 बजे से आप लड़ रहे, वैसे तो आपका ये स्वधर्म है, हमारा तो ये उसमें आए हो ठीक नहीं, लेकिन पड़ोस में रहते हैं तो बताइए कि ये क्या हो रहा है, किस बात से शुरू हुआ? तो बहन ने कहा 7 बजे से शुरू था, 1 बज गया 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, याद थोड़ा रहता कि कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं इताली निकला तो पूछ गया पड़ोसी नो अधर्म क्या भाई, पड़ोसी ने ऊपर घरवीर बहुत होते हैं, आंगन के वीर कई होते हैं, रणांगण के वीर हे गोविंद तू है। बिना शस्त्र लिए पूरे महाभारत को कंट्रोल कर रहा था, कब किसका तीर कहां जाए ये तब तेरी गिनती, कंट्रोल तेरे हाथ में था। तू रणवीर है, तू दानवीर है, तू दयावीर है, तू धर्मवीर है, तू क्या नहीं है? और हम तो योशिता जो ठहरे, हमारे पर क्यों ये आप वीरता बता रहे? अथवा तो कई लोग वीरू होते हैं, महिलाओं से डर जाते हैं, हमने देखा है तू वीरू नहीं है, तू वीर है। कई लोग होते हैं महिलाओं से डरते रहते, महिलाओं यानी घर में नारी विवश नर सकल स्थिति। तो आप वीर हैं, देर मत करो, वीरता में धीरता होनी चाहिए महाराज, लेकिन ये धीरता तृषित बार बिन जो तनु त्यागा, तुम ये करे का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखा, हे गोविंद तू पछताएगा, तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि हमने आपको वीर माना है। रज जनार्ती हन वीर योशिता निज जन स्वया
भज सखे भवा किंकरी मनो जलरुहारम चारुदश जयति ते धिकम जन्मनाम रज श्रयतिंदिरा सस्वतत्रही दयितदूष्यता दिशुतावता रज जनार्ती हन वीर योषिता निज जन स्मय वंशनसिता रज सखे जैसा वीर शिरोमणि जिसको हमने ओढ़ा है आपनू ओढ़णू ओढ़ू छे और ये मद और मान जैसे विकार हम में प्रवेश कर गए तो क्या आपका दायित्व नहीं है कि हे वीर शिरोमणि इस मद और मान को तो निकाल दे और आपको कोई ज्यादा तकलीफ भी नहीं क्योंकि एक स्मित पर्याप्त है। तू थोड़ा मुस्कुरा दे और तेरी दंत की पंक्ति की ये जो उज्जवलता थोड़ी बाहर आ जाए बस वो ही समर्थ शस्त्र है हमारे मद और मान को चूर चूर करने के लिए क्योंकि हमने आपको वीर समझा है। तो गोपियां धीरे 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 अपनी बात कृष्ण की ओर कहती जा रही हैं। कुछ बातें कल करेंगे यहां से उठे इससे पूर्व कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम
राधे 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 गोविंदा विशाल भजो राधे बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा वृंदावन नाथ भजो राधे गोविंदा वृंदावन नाथ भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा हे वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा एक निश सती अतिजा रोज शरद ऋतु प्रकाश रमत रास जग निवास एक विलास कीने मुरली धुन अति रसाल मेरे सुर पर गोपाल हनुमान सुख दुकाल मन मराल आ ब्रह्म की असुर भर उछाव मन थन तन अति मन चित्तवत गत मुख उछाव हाव भाव साचे हरि हरि अति हैर हैर सुख सुर बेर बेर पर घट गत फेर फेर घटवर नाचे पर घट गत फेर फेर वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदम भुजम यकामिना धाम दक्षिणकाम श्याम सुंदरम भवानुनाथ मंदलम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि लोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम शंखचक्रसायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंदनम महेश ताप खंडनम सुरारी वृंद वंदनम असड भगुनी एलुमी अंबर वदर देवड चोवड़ी मोहलार महेली लार जहेली नी जलेन सवेनर यम अंदर गाज अगाज करे घर ऊपर अंग नया कर उधरिया अजमाल न तू तन कुवर लाल Thank you.
प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदि पति दिगंबरे मनोविनोद मेकुवसी जटा भुजंग पिंगल सुरक्षणा मणि प्रभा कदम कुंकुम द्रव कलित दिधुमुखे मदांग सिंदूर स्फुरत सुदुत्तरीय मे दुरे मनोविनोद मद्भुतम विभर्तु भूत वर्तर जटा कवि गल जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमर 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 डमन विनाश वट्टमर वयम चकार चंद तांडवम चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ न श्री गिरिराज धरण के श्री द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री यमुने महाराणी श्री वल्लभाधीश भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज का सत्संग विराम दे रहा है, कल शाम 4:30 बजे फिर आ गए भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए राम चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।